इस वक्त की बड़ी खबर, नवाबगंज बरेली। आज बरेली में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की एक सभा आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश सचिव असलम चौधरी, अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं बरेली प्रभारी आमिर कुरैशी, अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला चेयरमैन जुनैद हुसैन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव मोहम्मद हसन के नेतृत्व में आज डॉक्टर हसरत अली ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव असलम चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुस्लिम वोट लेने के लिए मुस्लिम समाज को गुमराह किया, बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम समाज को ठगा। चौधरी असलम मियां ने कहा कि मुस्लिम समाज का हित कांग्रेस में ही सुरक्षित है। एनआरसी और मावलीचिंग की घटनाओं पर कभी किसी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने मुस्लिम समाज के लिए आवाज़ उठाई है। अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष जुनैद हुसैन ने कहा, अलवी समाज को ऊपर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, अलवी समाज भी हमारे समाज का अंग है। अल्पसंख्यक कांग्रेस के आमिर कुरैशी ने कहा कि 4% यादव आज कहीं ज्यादा सरकारी नौकरी में है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव मोह हसन ने संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आजम खां को लेकर समाजवादी पार्टी के उप कटाक्ष किया। डॉक्टर शून्य सरवत हुसैन हासमी ने संबोधित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि बीएलओ से सभी लोग अपने वोट बनवा लें, जिससे आने वाले समय में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, क्योंकि आगामी 2022 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनना तय है। इस अवसर पर आसिफ अली, जिला सचिव मजहर अली, कुतुबुद्दीन अंसारी, सरबत हुसैन हाशमी, नूर फातिमा आदि कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। मजहर अली, रिपोर्टर, नवाबगंज बरेली की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। मेरे प्रवक्ता डॉक्टर सरबत हुसैन हाशमी साहब यहाँ आसीन, हमारे खुसूसी मेहमान रामपुर से चलकर आए बरेली, जनाब आमिर कुरैशी साहब, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, मेरे मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई, मेरे अजीज असलम चौधरी साहब, प्रभात गिरी गोस्वामी साहब, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष जनाब मुन्ना कुरैशी साहब, नवाबगंज से चलकर आए बरेली तक हमारे बहुत ही जुझारू नेता कुतुबुद्दीन अंसारी साहब, हमारे जिला सचिव मजहर अली साहब, हमारी नगर अध्यक्ष नूर फातिमा जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सरजान खान साहब, और मेरे आज की सभा के दूल्हा मेरे अजीज मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब, पहले तो सबसे पहले मैं उनका दिल की गहराइयों से पार्टी में स्वागत करता हूं। और मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनके समाज की बात को कोई पार्टी प्राथमिकता से नहीं उठा पाती। आज मैं आप लोगों के बीच आपके दरवाजे पर चलकर आया हूँ, और इंशाल्लाह यहाँ दावे से कह के जाता हूँ कि आपके अलवी समाज की आवाज़ को बरेली से लेके लखनऊ से लेके दिल्ली तक उठाने का काम करूंगा। और इंशाल्लाह मुझे भरोसा है अपनी पार्टी के ऊपर कि किसी धर्म जाति विशेष की बात नहीं करती है, सारे धर्मों जाति के लोगों को साथ लेके चलने का काम करती है। और इंशाल्लाह अलवी समाज भी कोई गैर समाज नहीं है, हमारा ही समाज है, हम सारे समाज लेकर साथ चलेंगे। और मुझे आशा है कि डॉक्टर साहब बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, तो क्षेत्र में उनको जनता पहचानती है, अच्छा नाम है। आगे मैं कोशिश करूंगा हर तरह से तन मन धन के साथ उनके साथ लगकर कि उनको कहीं ना कहीं कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे, और उनसे उम्मीद भी रखता हूं कि अगर पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो उसे निभाने पर वो कायम रहे। आज सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात को मतों के रूप में कहा, ये बात सच है। जैसे हमारे माननीय प्रदेश सचिव जनाब हसन साहब, तो क्या आप जनता के बीच में जाने के लायक हैं? जी बिल्कुल जाने लायक है। अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी प्रकार की पत्रकारिता से या पत्रकार बंधुओं से कोई टिप्पणी करता है, उसका खामियाजा पार्टी का नहीं है। पार्टी ने पत्रकार समाज हो चाहे कोई भी अन्य समाज हो, पूरी इज्जत देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज लगभग 5 दिन बीत गए हैं पत्रकारों पर आरोप लगाए हुए, तो आपकी पार्टी ने जो जिला लेवल के जो और बाकी पदाधिकारी, उन्होंने क्या एक्शन लिया? इस प्रकरण को लेकर पार्टी हाईकमान को अवगत करा दिया गया है। आगे जो भी दिशा निर्देश पार्टी हाईकमान से मिलेंगे वो जनता के सामने होंगे। ठीक है, थैंक यू। आइए आगे।